सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय चैनल द करेंसी पीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसी पीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता वैष्णो देवी के कॉइन के बारे में, लेकिन आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। माता वैष्णो देवी के ऊपर हम कम से कम दो वीडियो तो पहले बना चुके हैं और कॉइन रिकॉर्डिंग वाले चैनल पर भी हम दो या तीन बार माता वैष्णो देवी कॉइन के बारे में बता चुके हैं। इसके अलावा भी यूट्यूब पर बहुत से वीडियो हैं जो माता वैष्णो देवी कॉइन के बारे में आपको सही जानकारी भी देते हैं और गलत जानकारी भी देते हैं। माता वैष्णो देवी का कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात कॉइन है। माता वैष्णो देवी का यह सिक्का 5 रुपये और 10 रुपये के डिनोमिनेशन में, यह सिक्के सन 2012 में आम जनता के चलन के लिए जारी किए गए और आज लगभग 10 साल बीत जाने के बाद में भी माता वैष्णो देवी के सिक्के के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई है वह कम होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में भी दिन में कम से कम 25 से 30 कमेंट आते हैं माता वैष्णो देवी सिक्के के बारे में जानने के लिए। कई लोग माता वैष्णो देवी के सिक्के का रेट बताते हैं, हम जिस वीडियो में उसी वीडियो में कमेंट करते हैं कि हमारे पास माता वैष्णो देवी का सिक्का है, हम इसे बेचना चाहते हैं। तो यदि आपके पास में भी माता वैष्णो देवी का सिक्का है और आप उसे बेचना चाहते हैं तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि आप अपने माता वैष्णो देवी के सिक्के को किस तरीके से बेच सकते हैं, कहां पर बेच सकते हैं और कितने में बेच सकते हैं। तो आप सभी का ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी सिक्के की कहानी राजज्ञानी की जुबानी। दोस्तों, यह देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 2012, 5 रुपये का यह सिक्का निकल और ब्रास की मिश्र धातु में, 6 ग्राम वजन और 23 mm की साइज में, सर्कुलर शेप में सन 2012 में जारी किया गया था बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट द्वारा। इस सिक्के के बारे में बहुत से भ्रामक वीडियो YouTube पर छाए हुए हैं जो आपको इस एक सिक्के के हजारों, लाखों या करोड़ों रुपए दिलाने का वादा करते हैं। कई लोग अपना नंबर देते हैं कि आप इस नंबर पर फोन करें और हम आपका यह सिक्का इतने लाख रुपए में या इतने करोड़ रुपए में खरीद लेंगे। आप में से कई लोग इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं और अपना मोबाइल नंबर उनको देते हैं, अपनी एड्रेस देते हैं, अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी या पैन कार्ड और बैंक की डिटेल भी आप इन लोगों को दे देते हैं सिर्फ इस लालच में कि आपका यह माता वैष्णो देवी वाला जो सिक्का है यह 80 लाख में, 1 करोड़ में या 5 करोड़, 10 करोड़ में बिक जाएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। आपका यह जो 5 रुपये का सिक्का है, इसके साथ ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 2012 में ही 10 रुपये का भी एक सिक्का जारी किया गया था जनरल सर्कुलेशन के लिए, जिसकी धातु थी बायमेटल और वजन था 7.71 ग्राम, साइज 27 mm, शेप सर्कुलर। यह भी बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा इन तीनों मिंटों द्वारा जारी किया गया था। 10 रुपये के ऐसे सिक्के के लिए कुछ लोग 50 लाख से भी ऊपर दिलाने का वादा करते हैं। उन लोगों का कहना ऐसा पड़ता है कि 10 रुपये का ऐसा सिक्का होना चाहिए जो कलकत्ता मिंट का हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माता वैष्णो देवी के सिक्के कलकत्ता मिंट ने जारी ही नहीं किए, लेकिन कुछ ठग लोग वैष्णो देवी सिक्के के मिंट मार्क को मिटा देते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं और मिंट मार्क का निशान मिटाने के बाद उस सिक्के को कलकत्ता मिंट का माता वैष्णो देवी का सिक्का बताया जाता है और डिमांड की जाती है कि यदि ऐसा सिक्का आपके पास भी हो तो हम आपको इसके लाखों रुपए दे देंगे। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यदि कलकत्ता मिंट का होगा तो 80 लाख और मुंबई मिंट का होगा तो 40 लाख, नोएडा का होगा तो 20 लाख, हैदराबाद का होगा तो 10 लाख। जिस सिक्के को 10 रुपये की कीमत के लिए भारत सरकार ने जारी किया है और करोड़ों की संख्या में यह सिक्के ढाले गए हैं, माता वैष्णो देवी का सिक्का एक ऐसा सिक्का है जो आपको हर कलेक्टर के पास मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, और जो व्यक्ति कॉइन कलेक्शन नहीं करते हैं उनके घर में भी आपको यह सिक्के जरूर मिलेंगे, क्योंकि किसी न किसी तरीके से उनके कानों तक भी यह आवाज़ पहुंची है कि माता वैष्णो देवी का सिक्का आपको लखपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है। तो जिसके हाथ में भी यह सिक्का लगता है वह दबा कर रख लेता है अपने घर में और सपने देखने लगता है कि मैं करोड़पति हो गया, मैं अरबपति हो गया, मेरे पास 100 सिक्के, मेरे पास 200 सिक्के। आप सच्चाई से रूबरू हो जाइए, जितना जल्दी आप इस भ्रम से बाहर निकलेंगे माता वैष्णो देवी के सिक्के आपके और मेरे जीते जी कभी नहीं बिकने वाले। आज साफ शब्दों में सुन लीजिए, माता वैष्णो देवी का यूज कॉइन यदि आपके पास रखा है
तो 5 रुपए वाला सिक्का शायद ही कभी 6 रुपए में भी आप बेच पाए और 10 रुपए वाला सिक्का शायद ही कभी आप 12 रुपए में भी बेच पाए। तो एक्चुअल कीमत जो है माता वैष्णो देवी के सिक्के की, 5 रुपए वाले सिक्के की कीमत 5 रुपए और 10 रुपए वाले सिक्के की कीमत 10 रुपए ही है। लेकिन यदि आप किसी दुकानदार से वह सिक्का खरीदने जाएंगे तो हो सकता है आपको 5 रुपए वाले सिक्के के लिए 20, 30, 40 या 50 रुपए भी पे करना पड़े और 10 रुपए वाले सिक्के के लिए भी 40, 50 या 100 रुपए भी पे करना पड़े। लेकिन उसके पीछे कारण यह होता है कि कोई भी एक साधारण वस्तु किसी भी दुकानदार से आप खरीदने जाएं, चाहे वो कोई सी भी वस्तु हो, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे वो चप्पल हो, चाहे जूता हो, चाहे किराने का सामान हो या इलेक्ट्रिक का सामान हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, हर दुकानदार आपसे 10, 20, 25, 50 रुपए कमाई लेगा, प्रॉफिट लेगा, उसका मार्जिन लेगा, उसकी जो मेहनत है उसका चार्ज लेगा, उसके बाद ही आपको सामान देगा। उसी तरीके से यदि कोई कॉइन जो 5 रुपए या 10 रुपए का है आप उस दुकान पे लेने जाएंगे, उस व्यापारी से खरीदेंगे, तो उस व्यापारी को एक आइटम पे 10, 20, 25, 50 रुपए का प्रॉफिट तो चाहिए ना। इस वजह से माता वैष्णो देवी का सिक्का यदि आप दुकान से खरीदने जाएंगे तो आपको 40, 50 या 100 रुपए में मिलेगा, लेकिन वह UNC कॉइन होगा। यदि आप अपना कॉइन बेचने जाएंगे तो वह 5 रुपए का सिक्का 6 रुपए में भी नहीं बिकेगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें, स्टाम्प पेपर पर लिख लें, कहीं दीवार पर लिख कर लगा लें, इस जन्म में माता वैष्णो देवी का सिक्का नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया माता वैष्णो देवी के सिक्के के पीछे अपना समय बर्बाद ना करें, यह सिक्का कभी नहीं बिकेगा। 10 रुपए के सिक्के का UNC कॉइन का पाउच है तो उसके आपको 1100 से 2000 रुपए तक मिल सकते हैं, और यदि 5 रुपए के सिक्के का UNC पाउच है तो आज की तारीख में उसके आपको 600 से 1000 रुपए तक मिल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। यदि उस सिक्के की मांग ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़े से रेट बढ़ जाएंगे, 2, 4, 5 रुपए एक सिक्के पे रेट बढ़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले 10, 20, 25, 50 सालों में, इससे ज़्यादा रेट नहीं बढ़ेगा। तो यदि आपने अपने घर में बहुत से माता वैष्णो देवी के सिक्के इकट्ठे कर रखे हों तो आपसे निवेदन है कि आप उन सिक्कों को खर्च कर दें, 1-2 सिक्के 5-10 सिक्के अपने कलेक्शन के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सहज कर रखें, वो अच्छी बात है। वो हर तरीके के सिक्के आपको सहेजना चाहिए, एक एल्बम बनाना चाहिए जिसमें हर एक टाइप का सिक्का होना चाहिए। आप चाहें तो माता वैष्णो देवी के 3 मिनटों के 2-2, 4-4, 5-5 सिक्के रख सकते हैं, लेकिन आप उन सिक्कों को लेके इतने ज़्यादा परेशान मत होइए कि मेरा सिक्का बिक नहीं रहा है। कई कमेंट आते हैं कि मेरा सिक्का नहीं बिक रहा है, मेरा सिक्का बिकवा दो आप, 50% कमीशन ले लेना, आधे पैसे आप रख लेना, आधे पैसे हमको दे देना, आपको 10,000 रुपये दे दूंगा, 5,000 रुपये दूंगा। मुझे नहीं चाहिए आपके 10,000 और 5,000 रुपये, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपनी आँखें खोलिए, कान खोलिए, दिमाग खोलिए, ध्यान से देखिए मार्केट में कौन सी चीज़ बिकती है, कौन सी चीज़ नहीं बिकती, किस चीज़ के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है। कुछ ऐसे नोटों की डिमांड की जाती है कि 5 रुपए का कलश वाला नोट, 100 रुपए का ईगल वाला नोट और 15 छाप सिक्का, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल नहीं हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति द करेंसी पीडिया चैनल के वीडियो देख रहा है उसमें कम से कम इस बात की समझ पैदा हो जाए कि कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनके बारे में सिर्फ बातें होती हैं, जिनके बारे में सिर्फ अफवाहें उड़ती है, और आने वाले 5, 10, 20, 25 सालों तक भी इनके बारे में कंटिन्यू लगातार अफवाहें उड़ती रहेगी। पर इस टॉपिक पर वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद न करें, यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि माता वैष्णो देवी के सिक्के इस जन्म में नहीं बिकने वाले। 5 रुपए का सिक्का है उसको आप खर्च कर दीजिए, 5 रुपए के सामान ले लीजिए, खा पी लीजिए, मजे कीजिए। 10 रुपए का सिक्का है आप उसे खर्च कर दीजिए, 10 रुपए दुकानदार दे देगा। आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि चिल्लर बट्टे पे देनी पड़े आपको, होता है कई बार चिल्लर बढ़ जाती है मार्केट में तो लोग उसको लेने से इनकार करने लगते हैं, फिर 5-10% और यहाँ तक कि 20% कम में भी लोग अपनी चिल्लर बेचने के लिए इधर उधर भटकते हैं, परेशान होते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि माता वैष्णो देवी के सिक्के के आपको 10 रुपए भी न मिले, मतलब
चिल्लर यदि बट्टे में बिकने लग जाएगी, 10% या 20% बट्टा हो जाएगा उस पर, तो 10 रुपये के सिक्के के 8 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे सिक्कों में अपनी पूंजी इन्वेस्ट मत कीजिए, ऐसे सिक्कों का संग्रह मत कीजिए जो YouTube पर बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, लाखों और करोड़ों रुपए आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, 2 बार पहले बता चुका हूँ, 2 बार और बता देता हूँ, 5 रुपये वाले सिक्के के आपको 5 रुपये ही मिलेंगे, 10 रुपये वाले सिक्के के 10 रुपये ही मिलेंगे। इस जन्म में आपके यह सिक्के नहीं बिकेंगे, लिख लीजिए आप। आपको सिक्का बेचना है तो कमेंट सेक्शन में यदि आप कमेंट करते हैं कि मेरे पास माता वैष्णो देवी का सिक्का है, मुझे बेचना है, इससे अच्छा आप उसको खर्च कर दीजिए, सौदा ले लीजिए, किसी दुकानदार को दे दीजिए, उसको वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे, यूज हो जाएंगे। गवर्नमेंट सिक्के बनाती इसीलिए है कि उसको सर्कुलेशन में उसका यूज किया जाए। सौदे के लेने देने में सिक्कों की जरूरत पड़ती है, 5 रुपये 10 रुपये कम ज़्यादा होता है कोई भी सौदा, उसमें उन सिक्कों की चिल्लर की जरूरत पड़ती है, मुद्रा विनिमय के लिए ही बनाई जाती है। तो विनिमय की जब भी जरूरत पड़ेगी तो सिक्कों से लेन देन किया जाएगा। माता वैष्णो देवी का सिक्का भी इसी उद्देश्य के खातिर बनाया गया है और इसकी मिंटिंग करोड़ों में हुई है, तो इस वजह से यह सिक्के कभी भी रेयर की कैटेगरी में आने वाले नहीं हैं। ठीक है, अच्छे से समझ गए ना? माता वैष्णो देवी जी का सिक्का खर्च कर दीजिए, नहीं बिकेगा। साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, माता वैष्णो देवी जी का सिक्का 5 रुपये वाला हो या 10 रुपये वाला हो, नहीं बिकेगा। हाँ, माता वैष्णो देवी के कुछ सिक्के जरूर वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन या तो आपके पास माता वैष्णो देवी का पाउच होना चाहिए, यदि आपके पास माता वैष्णो देवी जी के कॉइन का पाउच है 5 रुपये वाला, तो उस पर 50 रुपये से 500 रुपये तक ऊपर मिल सकते हैं, और यदि 10 रुपये वाला पाउच है तो उस पर 100 रुपये से 1000 रुपये तक ऊपर मिल सकते हैं। माता वैष्णो देवी के सिक्के की वैल्यू न पहले कभी थी, न आज है, न आने वाले 50-100 सालों में कभी होगी। माता वैष्णो देवी जी के सिक्के कल भी नॉर्मल थे, आज भी नॉर्मल हैं, और आने वाले कल भी वो नॉर्मल ही रहने वाले हैं, रेयर नहीं होंगे। किसी भी मिंट का सिक्का, किसी भी डिनोमिनेशन का सिक्का, माता वैष्णो देवी जी का सिक्का कॉमन है, कॉमन था और कॉमन रहेगा। आप अपनी गलतफहमियां दूर कर लीजिए, माता वैष्णो देवी का सिक्का नहीं बिकेगा। पर प्रूफ सेट या यूएनसी सेट जो मिंट निकालती है, इसमें 5 रुपये और 10 रुपये वाला सेट भी आता है, और इसमें 5, 10 और 25 रुपये वाला सेट भी आता है, यह दोनों सेट यदि आपके पास हैं, तो जो एक नॉर्मल प्रूफ सेट की प्राइस होती है, जैसे इंक्रीज होते हैं प्रूफ सेट वक्त के साथ साथ, उनकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, वैसे इस वाले प्रूफ सेट की भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। बाकी जो जनरल सर्कुलेशन के लिए 5 रुपये और 10 रुपये वाले सिक्के बनाए गए हैं, इनकी वैल्यू इस जन्म में नहीं बढ़ेगी। समझ गए आप अच्छे से? मैं यह वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि हम ऑलरेडी माता वैष्णो देवी सिक्के पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इतने कमेंट आते हैं कि हम पढ़ पढ़ के दुखी होते हैं कि यार इतने वीडियो बनाने के बाद, इतने बताने के बाद में भी अभी तक कुछ भोले वाले गरीब लोग माता वैष्णो देवी जी के सिक्के को लेकर बैठे हैं और बड़े बड़े सपने देख रहे हैं कि हम लखपति और करोड़पति हो जाएंगे, बस हमारा सिक्का बिक जाए। भगवान, आपका सिक्का नहीं बिकेगा, आप दूसरा कोई रास्ता निकालिए, मेहनत कीजिए, कहीं कुछ किसी बिजनेस में दिमाग लगाइए, पर माता वैष्णो देवी जी का सिक्का बेचने के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। बिल्कुल भूल जाइए कि इस जन्म में माता वैष्णो देवी जी का सिक्का बिकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। 5 रुपये का सिक्का है, उसका सामान खरीदिए, खाइए पिए, मजे कीजिए। 10 रुपये का सिक्का है, उसको भी चलन में लाइए, 10 रुपये का भी सामान खरीदिए, मजे कीजिए। ठीक है, और चलते चलते आपको एक सलाह भी दे देता हूँ कि यदि आज भी आपके पास कोई ऐसा कस्टमर है, कोई ऐसा ग्राहक है जो आपको माता वैष्णो देवी के सिक्के के 20 रुपये भी दे रहा है, तो आप बेच दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको उसके 10 रुपये भी मिलना मुश्किल हो जाएंगे। माता वैष्णो देवी का जो 5 रुपये वाला सिक्का है, यदि आपको कोई ऐसा है जो 20 रुपये में खरीद रहा है, तो भी आप बेच दीजिए। तो मेरी सलाह यही है कि आप जल्दी से जल्दी माता वैष्णो देवी के सिक्के, यदि आप बेच पा रहे हैं अपने बलबूते पर, 5 रुपये वाला सिक्का 10 रुपये में, 6 रुपये में, 7 रुपये में, 10 रुपये में, 20 रुपये में, जितने में बिक रहा है, बेच दीजिए। माता वैष्णो देवी का सिक्का आप ही बेच सकते हैं, आप अपनी लेवल पर बेच सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू, किसी दलाल के थ्रू, किसी ब्रोकर के थ्रू या किसी दुकानदार के थ्रू,
इस जन्म में आप माता वैष्णो देवी का सिक्का नहीं बेच पाएंगे, यह आप लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसा हो सके आप यदि बेच पा रहे हैं तो इनको बेच दीजिए। मेरी सलाह यही है, तुरंत बेचिए माता वैष्णो देवी के सिक्के, देर मत कीजिए। यदि आपके पास गैराक है, 5 रुपए वाले सिक्के के 10 रुपए दे रहा है, आप बेच दीजिए तुरंत बिना देर किए। ठीक है, आपको इसके 50,000,00,000, 10,00,00,000, 20,00,00,000, करोड़, 2 करोड़ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यह एक कॉमन सिक्का है और आने वाले 50-100 साल तक यह एक कॉमन सिक्का ही रहेगा। मतलब आपके जीते जी या मेरे जीते जी इस सिक्के का दाम कभी नहीं बढ़ेगा। और मेरे से यदि इस सिक्के का दाम पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं कि माता वैष्णो देवी का 5 रुपए वाले सिक्के का दाम है मात्र 5 रुपए और 10 रुपए वाले सिक्के का दाम है मात्र 10 रुपए, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आज मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बता दिया है माता वैष्णो देवी के सिक्के की कीमत क्या है। 5 रुपए वाले सिक्के की कीमत है 5 रुपए, 10 रुपए वाले सिक्के की कीमत है 10 रुपए। अब मेहरबानी करके आप हमारे ये किसी के भी वीडियो में माता वैष्णो देवी के सिक्के बेचना है ये कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि ये नहीं बिकेंगे, सच में नहीं बिकेंगे, कोई नहीं खरीदेगा इन्हें। ठीक है, आप भी अपना टाइम खराब करेंगे कमेंट करके। इसके अलावा कोई दूसरे कमेंट कीजिए, आप स्वागत है आपका, लेकिन माता वैष्णो देवी के सिक्के बेचना है क्या कमेंट द करेंसी मीडिया के वीडियो में, तो क्या आप किसी के भी वीडियो में ना करें। कई लोग क्या करते हैं, अपना नंबर दे देते हैं कि हमारे पास माता वैष्णो देवी के सिक्के हैं और हमारा फ़ोन नंबर ये है और हम तुरंत बेचना चाहते हैं। तब आपके नंबर पे कई फ्रॉड लोग फ़ोन करते हैं, वो समझ जाते हैं कि आप लोग नादान हो, आपको अनुभव नहीं है, तो आपकी नादानी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें कि मेरे पास माता वैष्णो देवी के सिक्के हैं, मैं बेचना चाहता हूँ, मेरा नंबर ये है और बहुत ज़रूरी है, बहुत गरीब आदमी हूँ, आप बिकवा दीजिए। क्यों, ठग लोग होते हैं, उनकी इंसानियत और नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो ये नहीं देखते हैं कि आप गरीब आदमी हैं, अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। वो तो बस खुद का जीवन यापन और खुद का परिवार और पेट पालने के चक्कर में आप लोगों को भी ठग लेते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि आप गरीब हैं या रईस हैं, आप नादान हैं, आपको पता नहीं है कि ये सिक्के नहीं बिकते हैं, और आपने कुछ ऐसे वीडियो देख लिए यूट्यूब पे जिस वीडियो में इसकी कीमत 2,00,000 रुपये बताई गई है, तो आप सोचते हैं कि ठीक है, हमें भी कभी ना कभी कोई मिलेगा जो हमारे सिक्के 2,00,000 में बिकवा देगा। और जब ये ठग लोग आपको फ़ोन करते हैं कि इस नंबर पर मैसेज करो, व्हाट्सएप करो और इतना रजिस्ट्रेशन फ़ीस भेजो, तो आप कहीं से भी कर्जा वर्जा लेके रजिस्ट्रेशन फ़ीस के 2,250,000, 5,000, 10,000 जो मांगते हैं आप दे देते हैं। चलो ठीक है, थोड़े दिन में 10,00,000 रुपये मिलने वाले हैं, उसमें से रजिस्ट्रेशन फ़ीस के पैसे जिससे आप कर्जा लेते हैं उसको दे देंगे। लेकिन आप ये नहीं समझते कि वो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पर आपसे लिए गए हैं, वो आपसे ठगे गए हैं। अब वो पैसे आपके पास ना तो वापस आएंगे, ना आपका सिक्का कभी बिकेगा। तो कृपया अब इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि माता वैष्णो देवी के सिक्के 2, 4, 5 रखिए, बाकी सब खर्च कर दीजिए। ठीक है, माता वैष्णो देवी के सिक्के की कीमत इस जन्म में नहीं पड़ेगी। यदि आज मेरे वीडियो में कुछ शब्दों से आपको ठेस पहुँची हो, या कुछ लोगों के दिल टूटे हों, कुछ लोगों की गलतफहमियाँ दूर हुई हो, उन सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आपका दिल दुखाना, आपके सपने तोड़ना नहीं था, लेकिन हाँ, सच्चाई जो है वो आपको बताना मेरा फर्ज था। आप द करेंसी पीडिया परिवार के सदस्य हैं, आपको कम से कम यह सच्चाई तो पता होनी ही चाहिए कि माता वैष्णो देवी जी का सिक्का नहीं बिकेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक अद्भुत प्रज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।